बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन अली है और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल वी यू एजुकेशन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बालों का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ़ोटोशॉप की तरफ चलते हैं। फ़ोटोशॉप में आप देख सकते हैं मेरे बाल ब्लैक कलर के हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने बालों की सिलेक्शन लूँगा। आपकी मर्ज़ी है, मैजिक टूल, पेन टूल, किसी से भी बालों की सिलेक्शन ले सकते हैं। जिस जगह के आपने बाल चेंज करने हैं, बाल, दाढ़ी, आधे बाल, जितने भी बालों कलर चेंज करना है उतने सिलेक्शन लेंगे आप। मैजिक टूल में आके सेलेक्ट एंड मास्क में आते हैं ताकि ऊपर जो बाल आ रहे हैं ये भी हम ले लें। ये सेंटर वाला जो ब्रश है हम ये लेंगे और ये हम मार लेंगे ऊपर। ये पीछे शेडो आ रहा है, बाल नहीं है, अगर आप समझ रहे हो बाल हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से सिलेक्शन हो गई है। हम अभी से ओके कर लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से आपने सिलेक्शन लेनी है। आपके पास कोई भी फोटोशॉप हो आपने अच्छे से सिलेक्शन लेनी है इसकी। बालों की जो बाल ऊपर आ रहे हैं वगैरह सबकी सिलेक्शन लेने के बाद आपने आना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आप आएंगे न्यू फिल्टर लेयर। न्यू फिल्टर लेयर में आने के बाद आप आएंगे सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में आने के बाद आप मोड में आके यहाँ सेलेक्ट करेंगे सॉफ्ट लाइट और ओके कर लेंगे। आप देख सकते हैं ओके करने के बाद आपके पास इस तरह का आ जाएगा। आपने जो बालों का कलर सेलेक्ट करना है आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कलर सेलेक्ट करना है आप ले के इस तरह। जितना कलर चाहिए, जैसा कलर चाहिए आप रख सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। देख सकते हैं मैं कोई एक कलर आप बना के दिखा देता हूँ अपना जो मुझे सही लगे। जो कलर करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर लें अगर आपको ज़्यादा डार्क लगे, इसकी ओपेसिटी कम कर लें थोड़ी सी ताकि मैचिंग हो जाए। नीचे आप देख सकते हैं कंट्रोल जे करके कोई और कलर रख के दिखा देता हूँ मैं। इसे बंद करता हूँ नीचे वाले को। देख सकते हैं ये कलर कोई और करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जो आपको सही लगे आप कलर कर सकते हैं। ये बड़ा इजी तरीका है और 1 मिनट में कलर हो जाएगा आपके बालों। और इसके अलावा दूसरी तरह आप किस तरह कलर चेंज कर सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। आप आएंगे फोटोशॉप में, आप बल्कि क्रोम में आएंगे, किसी भी ब्राउज़र में आएंगे, ऊपर सर्च करेंगे वाई हेयर कलर PNG। यहाँ बहुत सारे बालों के PNGs पड़ी होंगी, आपको जो PNG सही लगे आप जाके बिठा सकते हैं और इसी PNG का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये बाल उठाता हूँ और थोड़े बहुत अपने बालों पर सेट कर दूंगा यही कलर। आप देख सकते हैं ये PNG नहीं है तो इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। कंट्रोल भी छोटा साइज़ है लेकिन बैठ जाएगा फिर भी। बैकग्राउंड डिलीट कर देते हैं। जो वाइट आ रहा है सिलेक्शन में, सिलेक्शन लेके सिलेक्ट में आएंगे मॉडिफाई में कांटेक्ट कर दें, 8 पिक्सल कांटेक्ट कर दें। अगर ज़्यादा हो गया 5 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट कर देता हूँ। देख सकते हैं इसके बाद आप इसका साइज़ बड़ा करेंगे। मेरे को इतना हिस्सा चाहिए सिर्फ बालों का तो मैं ये ले लेता हूँ। बाकी मैं डिलीट ही करूँगा लेकिन इधर आऊँगा
सेलेक्ट टूल लूँगा और इसी तरह दोबारा से सेलेक्ट मास्क में आऊँगा, ये ऊपर जो आ रहे हैं बाल से सेलेक्ट कर देता हूँ। सिर्फ ऊपर के सेलेक्ट करूँगा ताकि जो बाहर के हम डिलीट करेंगे तो बिल्कुल सही डिलीट हो, वरना हम मिटाएंगे तो सही नहीं मिटेगा। देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऊपर आ गया। अब इस लेयर पे आएंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और डिलीट कर देंगे, बैक का वो डिलीट हो गया, बाकी नीचे हम रेज़र से मिटा देते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं बाल, थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहे थे, ऑपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दें, लेकिन ये सही लग रहे हैं इस तरह। आप या तो यही अच्छे लगे आप यही निकाल सकते, नहीं तो इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो कंट्रोल जे करके मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल यू से भी हो जाएगा। कंट्रोल यू करें, कोई भी कलर सेलेक्ट करें, जो कलर आपको रखना है। जैसे मुझे ये सही लग रहा है, देख सकते हैं, कंट्रोल जे कर लेता हूँ, कोई और कलर रख के देख लो। कंट्रोल बी से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल बी से कलर बैलेंस आएगा, यहाँ से आपको जो कलर सेलेक्ट करना है आप बना सकते हैं। देख सकते हैं ये अच्छा लग रहा है। इसी तरह मैं एक और कलर बना देता हूँ कंट्रोल बी से। नहीं तो कंट्रोल यू से आपको जैसा सही लगे, कंट्रोल जे करके देख लें, कंट्रोल यू से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। अभी हम पांच छह कलर एक साथ मिक्स करके वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे ये सब लेयर हमने बनाई हैं, अलग अलग कलर देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अभी हम सबको कंट्रोल जे कर लेते हैं और उसके बाद पहली लेयर पे आएंगे, इसमें से बीच बीच में थोड़ा बहुत मिटा दें। आप अब सेकंड लेयर में आएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये तो हम कंट्रोल जी करके रख लेते हैं। इसी तरह सब लेयर में आके थोड़ा थोड़ा मिटा दें। आप देख सकते हैं अलग से तीन चार कलर मिक्स हो गए, कैसा आपको अच्छा लग रहा है तो इसे मर्ज कर देता हूँ मैं। मर्ज करने के बाद आप यहाँ से भी कलर थोड़ा सेट कर सकते हैं, डार्क करना है डार्क कर सकते हैं, कोई और कलर रखना है। अब देख सकते हैं कितने अच्छे बाल बन गए। इस तरह आप कोई भी कलर कर सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा आ रहा हो तो उसे रेज़र से मिटा दें। आप आराम सकून से अपने पिक्चर एडिट कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरह एडिट होगी। दो तरह आपको मैंने बताया, आप कोई भी पीएनजी लेके कलर उसके लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप जो हमने कलर बनाया ये भी कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप कोई भी कलर बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।